दे कि शाहरुख का एक हिट दे, क्या ये वही फिल्म? बिल्कुल, शाहरुख के लिए बहुत ज़रूरी था इस फिल्म का हिट होना, और ये फिल्म जो है यकीनन बहुत अच्छे पैमाने पे जाएगी, क्योंकि इसके अंदर इमोशंस बहुत अच्छे हैं, और फर्स्ट हाफ बहुत ही इंटरटेनिंग है, सेकंड हाफ में बहुत अच्छे इमोशन से खेला है आनंद एल राय ने, और हम ये बोलेंगे लोगों के दिलों को ज़रूर छुएगी फिल्म। फ्रांस में ये रेस लगी होती है कि कौन 200 करोड़ 300 करोड़ करेगा, क्या लगता है ये 200 करोड़ 300 करोड़ करेगी? देखिए, फ्रांस की फिल्में फ्लॉप भी होती है तब भी वो 150-200 करोड़ पार करती हैं, तो 200 150 300 करोड़ जो है फ्रांस के लिए कोई मायने रखता नहीं फिलहाल आज की डेट में, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा हो चुका है। और आउट ऑफ 5 फिल्म को कितना स्टार? 3.5 स्टार। थैंक यू सर। वाइज कैसी है? शाहरुख है तो फिल्म थोड़ी सी क्यूट है शाहरुख के हिसाब से, बट एक्ट्रेस वाइज आई डोंट लाइक, मतलब अनुष्का एंड कटरीना। ओके जस्ट ओके, जस्ट एवरेज फिल्म, एवरेज म्यूजिक, एवरीथिंग एवरेज। आनंद एल राय का डायरेक्शन? उम्मीदें थी बट थोड़ी सी अनफॉर्चुनेटली खरी नहीं उतरी अकॉर्डिंग टू मी। और म्यूजिक? म्यूजिक गुड, म्यूजिक इज नाइस। ओके, आउट ऑफ 5 2.5। फैंस के लिए बहुत अच्छी मूवी है, दे शुड वॉच इट। और स्टोरी लाइन वाइज कैसी है? बौना बने हैं शाहरुख खान। स्टोरी वाइज बहुत कुछ खास नहीं है, बट गुड फॉर वन टाइम एक्चुअली। एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस कैसी लगी? सबके परफॉर्मेंसेस तो अच्छे हैं, दे आर ऑल लीड एक्टर, अनुष्का जी हैं, शाहरुख जी हैं, स्टार की तो कमी नहीं है, बट स्टोरी लाइन में शायद कुछ बेटरमेंट होने का स्कोप था। डायरेक्शन के बारे में क्या कहेंगे, आनंद एल राय का डायरेक्शन है? और स्टोरी अगर थोड़ा बेटर होती तो शायद कि सब सही हो जाता। क्या लगता है बॉक्स ऑफिस पर कितना बिजनेस करेगा? वो तो कमेंट नहीं कर सकता, बट जो शाहरुख के फैन है वो जाएंगे जरूर। आउट ऑफ 5 हाउ मेनी स्टार्स? कांट से 2.5। Well, film was not up to the mark. I was expecting a blast because of Anand Alda and Shahrukh Khan coming together, but performances are really amazing. Anushka and Shahrukh has done outstanding job, and dialogues are really good, but the storyline is extremely ridiculous. So I don't think it's a good film overall. How's Shahrukh Khan as Bawwa? Shahrukh Khan is amazing. He stole the show, and Anushka is really awesome. Katrina is just okay. And music is average, songs are all right, screenplay is pretty poor, and but dialogues are amazing and acting performances are good, but otherwise movie falls flat. Shahrukh was needed, desperately needed. Yeah. This is the one. I think movie will work because there is immense hype around the film, so I think it should work, but I don't think the word of mouth will be that good, really. What about box office collection? वो तो मैं नहीं बता सकता। I think 2 stars. Yeah. Nice movie, very nice movie. Like the performance. बहुत अच्छी है परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी है शाहरुख खान का, इवन अनुष्का इज बहुत अच्छी है, दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। फॉर इट आई लाइक कटरीना कैफ ऑल्सो फॉर अ चेंज, शी इज़ वेरी गुड। सो बब्बा सिंह को जस्टिफाई कर रहे हैं शाहरुख खान? या 100%। शाहरुख खान को एक डेस्परेटली हिट चाहिए थी, दिस इज द वन। या दिस इज 100% श्योर। म्यूजिक आई लाइक ओनली वन सॉन्ग ओनली, आई डोंट नो द लिरिक्स, बट वन सॉन्ग इज वेरी गुड विद सलमान खान एंड दैट सॉन्ग इज वेरी एंजॉय द मूवी। डायरेक्शन ऑफ कोर्स वेरी नाइस, समथिंग न्यू इट इज, बट वेरी गुड, मिनिमम 3.5। वॉज वेरी नाइस, इट हैज गॉट अ नाइस कॉन्सेप्ट, लव स्टोरी भी है, देर इज अ ड्रामा ऑफ यूपी, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, तिग्मांशु धूलिया अगर आप उसका कैरेक्टर देखेंगे तो यू कैन रिलेटेड टू गैंग्स ऑफ वसेपुर, बिकॉज जिस तरह से वो अपने बेटे से उसमें बात करता है वैसे इससे इसमें बात करता है। दोस्ती दिखाई गई है बहुत अच्छी, फ्रेंडशिप भी है, लव एंगल बहुत अच्छा है। कंपेयर करेंगे एक्टर्स की तो आई वुड से कटरीना कैफ की एक्टिंग पहली बार बहुत डीपली दिखाई गई है, शी इज़ नॉट बीन यूज एज अ यू नो ग्लैमरस गर्ल, और यू नो सिर्फ पेपी सॉन्ग या पार्टी सॉन्ग नहीं कराया, थग्स ऑफ हिंदुस्तान में शी हैज़ बीन यूज जस्ट लाइक यू नो प्रॉप, एंड इन दिस शी हैज़ गॉट अ यू नो डेप्थ एक्टिंग, यू कैन कंपेयर हर एक्टिंग टू कंगना रनौत्स एक्टिंग विच शी हैज़ डन इन फैशन एंड अदर मूवीज़। एंड अनुष्का शर्मा की एक्टिंग की बात करें तो फर्स्ट टाइम उसको भी बहुत चैलेंजिंग रोल मिला है, यू कैन कंपेयर इट टू बर्फीज रोल ऑफ प्रियंका चोपड़ा। शाहरुख खान जस्टिफाइड टू बवा सिंह? डेफिनेटली डेफिनेटली, आई एम अ सलमान खान हार्डकोर फैन, बट स्टिल आई वुड से शाहरुख खान हैज़ डन अ लॉट ऑफ जस्टिस विद दिस रोल, एंड ही हैज़ डन इट वेरी वेल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बैक, यू नो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दिस थिंग, यू कैन सी लाइक शाहरुख खान कमिंग बैक टू यू नो लव स्टोरीज एंड ऑल। व्हाट अबाउट डायरेक्शन ऑफ आनंद एल राय? वेरी नाइस, वेरी नाइस, इट हैज़ गॉट अ डिटेलिंग एज आई मेंशन, यू नो इन द यू नो डायलॉग्स, इन द यू नो लव स्टोरी, फ्रेंडशिप, हर चीज़ को
को जिस तरह से उसने दिखाया है यूपी के और पर्टिकुलरली यू नो मेरठ का जितना भी छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से कोरिलेट किया है. इट कैन बी यू नो फेल्ट दैट ओके आई नो सम काइंड ऑफ पीपल लाइक दिस, आई हैव सम फ्रेंड्स लाइक दिस, आई हैव अ पर्सन जो प्यार में धोखा खाया हुआ है या प्यार में यू नो ही हैज़ लेटर ऑन रियलाइज कि वो मेरा प्यार था ये मेरा प्यार नहीं है. ऑल ऑफ दिस थिंग्स इज लाइक वेल कनेक्टेड. डेफिनेटली 4 डेफिनेटली एंटरटेनिंग है पूरी. शाहरुख ने बहुत फुल टू टाइम पास किया है. उसके जो फैंस हैं ना शाहरुख के वो उसको तो जरूर अच्छी लगेगी पिक्चर देखने. स्टोरी मुझे एक्चुअली वो नहीं, वो बहुआ का करेक्टर तो अच्छा है और वो मुझे तो लग रहा था बौने के रोल में पूरा 3 घंटा कैसे झेलेंगे, लेकिन वो क्यूट बौने लगे. ऐसा नहीं बोल सकते कि वो ख़राब लग रहे हैं ऐसा, लेकिन बस थोड़ा सा वो स्पेस का जो दिखाया ना वो थोड़ा सा बोल रहे हैं ना हजम नहीं हो रहा था कि मेरठ का आदमी स्पेस पहुंच गया और इस तरह से जो दिखाया बंदर को भेज रहे थे उसको भेज दिया. लाइक स्टोरी में ऐसा बहुत कुछ है थोड़ा, मतलब कैटरीना को ऐसा लगा वेस्ट किया. कैटरीना का काम ज़्यादा नहीं है, अनुष्का ने पूरी पिक्चर उठाई है और शाहरुख ये दोनों थे. डायरेक्शन कैसा लगा आनंद? डायरेक्शन मतलब ठीक था, कभी कभी बीच बीच में ठंडी हो रही थी पिक्चर, लेकिन बाद में खींच पकड़ लेते थे. अभी शाहरुख था ना, शाहरुख पूरी पिक्चर को कवर कर रहे थे. म्यूजिक कैसा लगा फिल्म का? कोई गाना पसंद? म्यूजिक भी मतलब उतना खास नहीं था. लाइक अभी जिस तरह से जिसमें सारे स्टार्स आए थे वो एक सॉन्ग अगर वो चाहते तो डाल सकते थे. काजोल, श्रीदेवी, दीपिका सब थे तो चाहते तो वो एक सॉन्ग डाल देते उसमें और एकदम इंटरेस्टिंग यादगार गाना बन जाता. लेकिन उन्होंने वैसा कुछ नहीं किया. जो गाना उन्होंने बनाया उसमें इतना दम नहीं लगा, म्यूजिक इतना कुछ मुझे पावरफुल नहीं लगा कि कोई भी गाना दिमाग में रह जाए ऐसा. शाहरुख के लिए 1 और बाकी 2.5 यानी 3.5. पिक्चर मेरे को बहुत पसंद आई. इंटरवल तक पूरी पिक्चर कॉमेडी है और उसके बाद है ना एक सीरियस पिक्चर हो जाती है. और पिक्चर की डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, शाहरुख ने बहुत अच्छा काम किया. मुझे अनुष्का शर्मा का काम बहुत पसंद आया पिक्चर के अंदर. और पिक्चर ऐसा नहीं कि आदमी इंजॉय के लिए देखता है, इसमें एक मैसेज भी था कि एक बौना आदमी बहुत कुछ कर सकता है. मैं इसमें 4 स्टार देता हूँ. देखिए पता चलना चाहिए कौन सी मूवी देखी है. तो जितनी मुझे उम्मीदें थी वो सारी उम्मीदों पर ये फिल्म खरी उतरी है. मैं देखना चाह रहा था कि बहुत दिनों बाद खान साहब आ रहे हैं एक नए अवतार में. मैंने उनसे पूछा था कि अब आप क्या चाहते हैं जिंदगी में. उन्होंने कहा कि फेम और जो मनी और स्टार बनने की जो ख्वाहिश होती है वो जिंदगी भर नहीं होती है. मैं करना चाहता हूँ कुछ नया जिसके लिए मुझे लोग याद करें. तो इस फिल्म का जो किरदार है बौने का, बौवे का, जब मैं बाहर आया तो मुझे शाहरुख खान याद नहीं था, मुझे याद था बौवा. तो ये कामयाबी है और इस किरदार को हमेशा याद किया जाएगा. बच्चन साहब हैं, दिलीप साहब हैं, बहुत अच्छे अदाकार हैं बॉलीवुड में, उन्होंने नहीं किया. तो इस फिल्म में उन्होंने एक प्रेम कहानी है ये एक नए अंदाज में दिखाया है. तो किरदार बहुत अच्छे हैं, शाहरुख खान जैसे हैं, अनुष्का शर्मा का किरदार बहुत अच्छा है, कटरीना कैफ हैं और डायरेक्शन आनंद एल राय साहब का है. तो ये जो मिश्रण हुआ है ये ब्लॉकबस्टर है. फिल्म बहुत अच्छी लगी है. तो कुल मिलाकर बाहर आने के बाद हमें याद नहीं रहते शाहरुख, हमें याद नहीं रहती अनुष्का, हमें याद नहीं रहती कटरीना, हमें याद रहते हैं इनके किरदार आफिया, बबीता और बउआ. इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी मुझे ये लगती है. बिल्कुल सही सवाल है आपका. मुझे सबसे बड़ा यही देखना चाह रहा था, चैलेंज यही था कि बतौर बौना आप अपने आप को कैसे साबित करेंगे. ना तो आप पीछे पैर अपने बांध रहे हैं जैसे आप पुराजा में कमल हासन साहब ने किया था, बहुत अच्छा वो भी था, काफ़ी पसंद किया था मैंने उस फिल्म को. तो इसमें चैलेंज था कि आप बिना पैर को मोड़े आप कैसे अपने आप को साबित कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं. पर जो भी जिस तरह से भी इन्होंने दिखाया है तो वो कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि पूरे शाहरुख खान हैं, वो बउआ हैं, बौने हैं और उन्होंने बतौर बउआ उन्होंने साबित कर दिया है कि ये बउआ ही है. तो वो अपनी अदाकारी से, अदाकार तो वो हैं ही बहुत अच्छे, लेकिन हाइट को जिस तरह से मैच किया है आनंद एल राय ने. देखिए एक कहानी जितनी भी अच्छी हो डायरेक्शन जब तक कि अच्छा ना हो ना वो अच्छी लगती नहीं है. तो आनंद एल राय ने साबित कर दिया है कि वो जिस चीज़ को हाथ लगाएंगे तो वो हीरा ही है. अब वो हीरे को उन्होंने हाथ लगाया है तो सोचो क्या हुआ होगा. शाहरुख कितना स्टार देना चाहिए 5 आउट ऑफ 10? देखिए स्टार ऐसे ही मतलब नहीं दिए जाते हैं, स्टार जो है कुल मिलाकर दिए जाते हैं. तो मैं बताता हूँ क्यों मैं स्टार देना चाहता हूँ. इस फिल्म की जो कहानी है प्रेम कहानी हमारे सारे दर्शकों को बहुत अच्छी लगती है. प्रेम कहानी के साथ साथ इस फिल्म में जिस तरह से अदाकारी की गई है, जिस तरह से इसका डायरेक्शन है और म्यूजिक, आपने अगर फिल्म देखी होगी तो शुरू के हाफ में जो 3 गाने हैं नचाते हैं, इसक बाजी जो है वो पहले ही हिट हो चुका है. सेकंड हाफ में एक गाना नुसरत साहब की कवाली जो है उन्होंने ली है तो वो गाना आपको भावुक भी कर देता है. तो म्यूज़िक जो है हिंदी फिल्मों का एक बड़ा हिस्सा है. तो ये सारी चीज़ें मिलकर, सारी अच्छी चीज़ें हैं, 5 में से 4 स्टार बनते हैं. थैंक यू. Good that way. It may not be very entertaining,
और मसाला मूवी और व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैसा नहीं है, बट इट हैज गॉट इट्स ओन लाइक द कैरेक्टर्स हैव प्लेड देमसेल्व्स वेरी वेल. शाहरुख खान जस्टिफाइड टू बव्वा सिंह्स ड्वार्फ? डेफिनेटली डेफिनेटली शाहरुख खान इज सुपर ऑसम. ओके, शाहरुख खान को बहुत डेस्परेटली एक हिट चाहिए, दिस इज द वन. I don't know whether it will be a hit or a flop, but definitely he will be appreciated because he has played a very different kind of role, very challenging role, and in a very smart way. That also is very appealing because not the typical heroish role or typical, you know, a six-pack body and all that. Iska ek alag impact ho sakta hai. There will be people who will really enjoy and appreciate it. What about direction of Anand? Good. That is good. थोड़ा सा तो इधर उधर लगा मूवी में जो पूरा बिलीवेबल नहीं लगता है. ठीक है, लेकिन थोड़ा खींचा है मूवी एंड ऑल दैट, बट चलेगा. ठीक है. आई फेल एंड अनुष्का ऑल्सो प्लेड अ वेरी चैलेंजिंग रोल एंड ओवरऑल समवेयर इट टचेज योर हार्ट. आई वुड से 2.5 स्टार्स.